प्रणाम साथियों, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी साथियों? आज हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं एक और नए टैलेंट के साथ। हम हमेशा अपने हर एक उस वीडियो में कहते हैं कि हमारे चिनावली में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, तो आज एक बार फिर से हाजिर हुए हैं एक और नए टैलेंट के साथ। साथियों, इनका नाम है डॉक्टर नीना पड़िहार। साथियों, ये तो प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही में इन्होंने एक अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिस पे ये अपने व्लॉग्स वगैरह वीडियोस अपलोड करती हैं, और इनके चैनल का नाम भी नीना पड़िहार है। चलिए साथियों, पहले हम इनकी वो कुछ वीडियोस देख लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। Hey guys, welcome और welcome back to my channel. This is Dr. नीना परिहार और मैं हूँ धर्मपुर में, और ये है व्लॉग धर्मपुर पार्ट टू। क्योंकि उस टाइम पे मेरे ये मॉनसून का बेस्ट टाइम है जब आप विजिट कर सकते हो धर्मपुर को, और बता नहीं सकती इतनी सुंदर प्लेस है, इतनी सुंदर प्लेस है। यहाँ पे ये देखो धान लगाया हुआ है और ग्रीनरी है, सब ग्रीन हो गया है। ये विल्सन हिल का एक वो था ना, एक सिग्नेचर पॉइंट वो है, और सबको पता चल जाता है कि कहाँ पे विल्सन हिल में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी विल्सन हिल का पार्क अंदर जाके। अब मैं जा रही हूँ पार्क में, और यहाँ पे फॉगी हो गया है, और ना अब थोड़ी देर में इतनी ज़्यादा बारिश होने वाली है ना सीरियसली, क्योंकि देख रहे हो आप बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल फॉग वहाँ पे देखो सामने। साथियों, हम उम्मीद करते हैं आपको इनका ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो अगर अभी तक आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से आप डायरेक्टली इनके चैनल पर पहुँच सके। साथियों, आप बात करें इनके यूट्यूब जर्नी की, जो लगभग 2019 में शुरू हो गई थी, और अभी हाल ही में इन्होंने अपने 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं। हमारी पूरी टीम की ओर से इनको ढेर सारी बधाई, और हम आशा करते हैं कि ये ऐसे ही आगे YouTube पर काम करते रहेंगे। काफ़ी समय से ये YouTube पर एक्टिव हैं। साथियों, ये प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही में इन्होंने अपने YouTube चैनल क्रिएट किया है जिस पे अपने व्लॉग्स वगैरह अपलोड करते हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने अपने 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं। काफ़ी अच्छा इनका कंटेंट भी होता है, और लोगों के द्वारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इनकी वीडियोस पे देखने को मिलता है। साथियों, ये हमारे ज़िला डोडा से है, और जो इनका होम टाउन वो गोंदो बलेसा से है। भले ये प्रोफेशन से डॉक्टर हों, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप में टैलेंट और हुनर हो तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वैसे ही इन्होंने यूट्यूब पर आने का सोचा और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। साथियों, हमेशा हमारी यही कोशिश है इन वीडियो से कि हम चिनावली में जितने भी क्रिएटर हैं, हर दिन एक नए क्रिएटर से आपको मिलवाया जाए, और चाहे वो जिस भी फील्ड में हो। अगर आप में भी हुनर है, टैलेंट है, और मन में इच्छा है जीवन में कुछ करने की, तो अवश्य करें, देर ना करें, और अपने काम पे ज़रूर फोकस करें। ऐसे ही हम हर दिन एक नए क्रिएटर से आपको मिलवाने लाते हैं, और कोशिश यही रहती है कि थोड़ी बहुत मोटिवेशन हमारी वीडियो से आपको मिलती रहे, और आप भी इन लोगों की तरह काम करते रहें। क्या पता हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके ऊपर ही हो। साथियों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, और इन वीडियो के माध्यम से हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, और ये जो क्रिएटर हैं हमारे चिनावली के, इनको थोड़ी बहुत सपोर्ट हमारी ओर से मिले। और आपसे हमेशा यही कहते हैं, अपने लोकल टैलेंट को, हमारे जो चिनावली के क्रिएटर हैं उनको सपोर्ट करते हैं। साथियों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो घर पर रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।